हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको नाइट सूट के लोअर पार्ट के कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। ये इसका मैंने अपर पार्ट बनाया है, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो लोअर पार्ट बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है और इस कपड़े की विड्थ है 44 इंचेस। और मेरे चैनल और वीडियो से रिलेटेड सभी अपडेट्स जानने के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कपड़े की लेंथ है और ये कपड़े की विड्थ है। तो मैंने कपड़े को एक बार लेंथ वाइज फोल्ड किया है। देखिए इस तरह से, यहाँ से फोल्डेड साइड है और ये ओपन वाली साइड है। अब इसको एक फोल्ड हमें विड्थ वाइज और कर देना है इस तरह से। तो ये फोल्ड किस हिसाब से करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो जितना भी आपका हिप राउंड है उसको आप 4 से डिवाइड करें और उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लें। और अगर आप बड़े साइज का बना रहे हैं या फिर हैवी साइज का बना रहे हैं तो आप उसमें 6 इंच तक का मार्जिन एक्स्ट्रा लें। 4 इंच कम हो जाएगा तो आप 6 इंच का मार्जिन लें। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच, उसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 9 इंच और उसमें मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया तो आया 13 इंच। तो 13 इंच का मैंने ये फोल्ड किया हुआ है। अब बाकी का जो बचा हुआ कपड़ा है वो मैं कट कर दे रही हूँ। अगर आप इसको कट नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि आपका कपड़ा कहीं छोटा ना हो जाए तो आप इसको इसी तरह से रहने दें और ऐसे ही मार्किंग कर लें। और अगर बाद में आपको कुछ बड़ा छोटा करना होगा या उसकी चौड़ाई एडजस्ट करनी होगी तो आप उस हिसाब से कपड़ा एडजस्ट कर लें, लेकिन मैं कट कर दे रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। अब बाकी की मार्किंग मैं इस कपड़े में करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइड ओपन वाली साइड है, यहाँ से ओपन है, ये फोल्डेड है और ये फोल्डेड साइड है। अब मैं इसकी लेंथ के लिए निशान लगा रही हूँ। तो जो नीचे का ओपन वाला पार्ट है, ये ओपन वाला पार्ट, इसको मैं पलट के अपनी ओर को कर लेती हूँ ताकि मेजरमेंट ठीक से मैं आपको बता पाऊँ। तो जो हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे वो यहाँ से लगाएंगे। देखिए ये जो ओपन वाली साइड है, ओपन वाली साइड से हमें मार्किंग करनी स्टार्ट करनी है। तो जितना भी आपका इलास्टिक है, पहले आप अपने इलास्टिक की चौड़ाई को नाप लीजिए। मेरे उसमें ये 1.5 इंच चौड़ा इलास्टिक आ रहा है। तो जितना भी चौड़ा इलास्टिक आएगा उसमें 0.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पे बेल्ट के लिए निशान लगाना है। तो मेरा इलास्टिक 1.5 इंच का था, 0.5 इंच मार्जिन ले रही हूँ तो 2 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया और इस निशान को स्ट्रेट कर देना है। अब ये जो 2 इंच का हमने निशान लगाया ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा यहाँ पे कपड़ा, जिसमें इलास्टिक लग जाएगा। अब यहाँ से नीचे को मैं ये हमारे लोअर की लेंथ के लिए निशान लगा रही हूँ। तो जितने भी आपको लोअर की रेडी नाप चाहिए आप उसमें 1 इंच नीचे से दबाने के लिए मार्जिन ले लें। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में पैंट की जो रेडी नाप है वो है 34 इंच, तो उसमें 1 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ दबाने के लिए। तो 35 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। इस निशान को भी मैं यहाँ पर स्ट्रेट कर दे रही हूँ। अब हमें यहाँ ऊपर पे इसके कमर के लिए निशान लगाना है। तो थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ फोल्डेड वाली साइड से मैं इसकी कमर के लिए निशान लगाऊंगी। तो पैंट बनाने के लिए हम कमर के बजाय इसमें हिप का मेजरमेंट लेते हैं। तो जितना भी आपका हिप मेजरमेंट है उसमें आप 4 इंच की लूजिंग ऐड करें और फिर उसको 4 से डिवाइड कर दें। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच, उसमें मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया लूजिंग के लिए तो आया 40 इंच। और 40 को फिर 4 से डिवाइड करना है क्योंकि कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में रखा हुआ है, तो आया मेरा 10 इंच। तो 10 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से नीचे को आसन के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका हिप राउंड है आप उसको 4 से डिवाइड करें और उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करें। अगर आपको थोड़ा सा आसन लूज चाहिए तो आप इसमें 2.5 इंच तक की लूजिंग ले सकते हैं। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच, उसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 9 इंच और 2 इंच मैंने उसमें एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए ले रखा है तो आया 11 इंच। तो 11 इंच का मेरा आसन आया, तो 11 इंच पे ही मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। अब इस पॉइंट को ऊपर हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद यहाँ से बाहर को 2 इंच पे निशान लगाना है। अगर आप थोड़े से बड़े साइज का बना रहे हैं तो इसको 2.5 से 3 इंच तक का निशान लगाएं। तो मैं 2 इंच पे लगा रही हूँ और यहाँ पर इसको हमें मिला देना है। अब यहाँ पर नीचे जो हमने इसकी लेंथ के लिए निशान लगाया था, यहाँ पे इसके घेरे के लिए निशान लगाना है या फिर मोहरी के लिए। तो इसका घेरा जो है वो मैं 10 इंच का रख रही हूँ, तो 10 इंच पे एक निशान लगाया और इस निशान को ऊपर आसन वाले उस पे हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर क्रॉच का कर्व बना लेना है और इसके बाद मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो 0.5 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं इसको कट कर रही हूँ। आसन में भी 0.5 इंच का मार्जिन लिया है और यहाँ नीचे साइड को भी मैं 0.5 इंच का ही मार्जिन ले रही हूँ।
नीचे से कोई मार्जिन नहीं लेना है क्योंकि मार्जिन हमने ऑलरेडी ले लिया था। अब इसकी सिलाई करनी है तो आप यहाँ से दो पल्ले उठाएं और उसको इस तरह से ओपन करके रख दें, और ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए इस तरह से हमारे ये दोनों पार्ट्स रखे हुए होने चाहिए। इसके बाद हमें यहाँ इसके आसन में, दोनों आसनों में आधा आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए, ये आसन का निशान जो हमने लगाया था वो है। अब इसमें मैं सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ, तो आधा इंच की दूरी छोड़ते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों आसनों में मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको बिल्कुल सेंटर से हमें दोनों पल्लों को ऐसे करते हुए उठाना है और ये सेंटर से फोल्ड करके हम इसको ऐसे करके रख देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिसके दोनों लेग्स जो हैं वो अलग अलग हो गए हैं। इसके बाद हमें इसके जो इनर लेग्स हैं इनमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर से स्टार्ट करना है और ऐसे घुमाते हुए दोनों पार्ट्स को हमें सिल देना है। ये जो दो ओपन साइड्स हैं इनर लेग्स की, इन दोनों को मिलाते हुए ही हमें यहाँ पर आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों को मैंने सिल दिया है। अब हमें क्या करना है, इसके जो बॉटम वाला पार्ट है, ये बॉटम वाले हिस्से को अंदर को करते हुए इसको हमें डबल फोल्ड कर देना है और इसमें सिलाई लगा देनी है। अब मैं इसकी कमर में इलास्टिक लगा रही हूँ। तो इलास्टिक लगाने के लिए ये जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, इस निशान को मैं बाहर को स्ट्रेट कर देती हूँ। तो ये 2 इंच का है, तो यहाँ पर भी 2 इंच पे ही एक निशान लगाना है और इसको मैं चौक से निशान लगा लेती हूँ। अब इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, टॉप वाला पार्ट है, इसको 1/2 इंच का हमें फोल्ड करना है और इसको फोल्ड करके आप इसमें प्रेस कर लें। पहले पूरे गोलाई में आधा आधा इंच का फोल्ड करते हुए हमें पहले इसको प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके पूरे उसमें आधा आधा इंच का इसको दबा के इसको प्रेस कर लिया है। अब ये जो हमने निशान लगाया था, इस निशान तक हमें इस कपड़े को फोल्ड करना है। तो इस निशान तक आप इसको ऐसे फोल्ड करें और फिर इसमें आप इस तरह से प्रेस से इसको दबा लें और पूरे गोलाई में हमें इसको इसी तरह से 2 इंच तक का इसको फोल्ड कर देना है। तो ये देखिए, मैंने इसको फोल्ड करके यहाँ पे प्रेस कर दी है। तो देख सकते हैं हम दोनों ओर से अच्छे से फिनिशिंग के साथ मैंने इसको अभी प्रेस कर दबा लिया है। अब यहाँ पे आप बीच में इसका देख लीजिए कि इलास्टिक इसमें आराम से आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे इलास्टिक भी फिट बैठ रहा है। अब इलास्टिक की लेंथ कितनी लेनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपकी कमर से 1.5 इंच का कम इलास्टिक होना चाहिए। जैसे कि मेरी कमर है 28 इंच, तो 28 में से 1.5 इंच मैं कम कर रही हूँ, तो 26.5 इंच का इलास्टिक होना चाहिए। तो इस तरह से आप नाप लें और 26.5 इंच पे ही मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। अब यहाँ सेंटर पे आप थोड़ी सी जगह छोड़ दें इलास्टिक को डालने के लिए और बाकी पूरे हिस्से में इसकी गोलाई में हमें सिलाई लगा देनी है। तो मैं सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसमें सिलाई लगा दी है पूरी गोलाई में और थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़ दी है इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। इलास्टिक हमें लेना है और एक पिन की मदद से आप एक साइड से इलास्टिक को डालें और दूसरी साइड से इलास्टिक को बाहर निकाल दें। पर आप देख सकते हैं मैंने इलास्टिक डाल दिया है। अब इसको एक के ऊपर एक इस तरह से हमें मिलाते हुए रखना है और इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, इसकी कमर को इस तरह से खींचना है। इलास्टिक को बाहर को इस तरह से ऐसे खींचेंगे तो आप देखेंगे कि जो इसमें गैदर्स पड़ रहे हैं वो पूरे फ्रंट और बैक में बराबर पड़ेंगे। अब यहाँ पर हमें इसमें सिलाई लगा के इसकी ओपनिंग बंद कर देनी है और अब इलास्टिक में हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए दोनों हाथों से आप इलास्टिक को खींचिए और इसमें सिलाई लगाइए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जिगजैग वाला पैटर्न यूज कर रही हूँ। आपके मशीन में अगर ऐसा नहीं है तो आप स्ट्रेट सिलाई भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, इलास्टिक लगने के बाद ये मुड़ेगा नहीं, जब आप इसको पहनेंगे तो ये मुड़ेगा नहीं। तो देखिए, इसमें मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है नीचे साइड को। अब इससे थोड़ी सी दूरी पे हमें एक सिलाई और लगानी है यहाँ पर। तो थोड़ी दूरी पर भी यहाँ पर भी आप इसको खींचते हुए इलास्टिक को सिक्योर कर लें। तो पूरे कमर में हमें इसी तरह से इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगा लेनी है और ये नाइट सूट का लोअर बनके तैयार हो गया है। ऊपर से मैंने इसमें इलास्टिक लगा दिया है और नीचे से भी डबल फोल्ड कर दिया है और ये पैंट बनके तैयार हो गई है।